नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पाचन तंत्र की एक बीमारी जिसका नाम IBS इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है, उस बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है यासीन खान एस पठान और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सर्विस करता हूँ और कई सालों से मैं IBS की बीमारी से परेशान था। अलग अलग दवाखानों के और अलग अलग डॉक्टर साहब के मैंने कांटेक्ट किए, लेकिन मुझे उस दर्द में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। आखिर में वाया ये डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं ब्रह्म हॉस्पिटल में आया। आने के बाद डॉक्टर साहब से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे जो दवा बताई, जो गाइडलाइन दिया, उसकी वजह से आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बिना कोई रिपोर्ट किए और बिना कोई जांच किए सिर्फ ये दवा से मैं पूरा आराम में हूँ। बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे, उसको पहचानने के लिए आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। पेशेंट को ज़्यादातर पेट के हिस्से में दर्द बना रहता है, उनको बार बार अर्ज आता है स्टूल पास करने का, इमीडिएटली उनको स्टूल पास करने जाना पड़ता है। खाना खाते ही कई पेशेंट को इमीडिएटली स्टूल पास करने जाने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। कई पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी दिखाई देता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों ऑल्टरनेट भी करते हैं। पेशेंट इस बीमारी से बहुत परेशान होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में आप देखें कि वो कुछ समय के बाद डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट कहीं पे भी जा नहीं सकते। यह इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल मीन्स के जो स्टूल पास करने का जो एक फीलिंग आती है पेशेंट के अंदर, वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। इसके वजह से उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हैं, रिलेटिव के घर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि बाथरूम की व्यवस्था हो ना हो, काफ़ी परेशानी से ये पेशेंट गुजरते हैं। IBS में बहुत परेशान, मैक्सिमम परेशानी मेरी पास थी, यहाँ तक कि मैं जीने की जो मेरी एक तमन्ना थी वो मैं भूल गया। और अब मुझे लगता है कि मैं जी सकूँगा, नौकरी कर सकूँगा और मेरी जिम्मेदारी मैं निभा सकूँगा, और एक मेरे पास होप खड़ा हो गया। जो मेरा एक होप था आफ्टर 16 भी मैं ये करूँगा, आफ्टर 16 मुझे जो करना था वो अब मेरे दिल के अंदर आ गया, मैं कर सकूँगा। पहले वो चीज़ नहीं थी, पहले मेरे को ऐसा था कि मैं 60 में ही ख़त्म हो जाऊँगा, क्योंकि जैसा हम खाते थे वैसा हम चले जाते थे तो शरीर में कोई डिफरेंस आता नहीं था। पूरा दिन जो दिमाग है वो एकदम बहुत जुक्स में रहता था, उलझन में उलझी हुई, क्योंकि शरीर के अंदर काफ़ी परेशानी रहती थी इसकी वजह। और इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं था, मैंने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया लेकिन वो लोग उसको मेडिकल एलोपैथी मेडिकल में उसकी कोई परिभाषा नहीं और उसको वो लोग डिसीज नहीं गिनते। इसकी वजह से उसकी कोई प्रॉपर यानी कि जो IBS के ऊपर प्रॉपर असर करे ऐसी कोई दवा नहीं है। मैं कई डॉक्टरों से मिला और जब आपकी पास आया तब आपने मुझे बोला, आपके कार्ड में भी मैंने पढ़ा कि भाई IBS, तब मेरे दिमाग में, और उसके पहले मैंने पेपर के अंदर न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भाई IBS की बीमारी सिर्फ ये होम्योपैथी में ही है और लंबे टाइम तक उसको लेने से इसमें आराम मिल सकता है, सिर्फ वही एक अंदाज था मेरा। और यही चीज़ को वाय मेरे पास आई और मुझे विश्वास, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आप देखिएगा तो उन लोगों की बीमारी लाइफ लॉन्ग तक चलती रहती है जब तक एक प्रॉपर इलाज ना मिले, और इसका प्रॉपर इलाज होम्योपैथी में ही है। आइए मैं बताता हूँ आपको किस तरह से होम्योपैथी से हम इस तरह की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। बस हुआ, और जब आपकी हॉस्पिटल में आया और दवा ली उसके बाद मेरा विश्वास और बढ़ता गया कि मैं सही हो जाऊँगा। आपने विश्वास दिलाया कि आप 110% अच्छे हो जाएगी, काफ़ी मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लाइफ में जी रहा हूँ पहले की जरिए आफ्टर आपकी हॉस्पिटल में आने के बाद। क्योंकि पहले तो मैं जैसा खाना खाता था वैसे तुरंत मुझे जाना पड़ता था, लेटरिन जाना पड़ता था और मैं कई जगह पर जा नहीं सकता। अभी हाल में 80 से भी ज़्यादा यानी कि 85 पर, और सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये है, अहम चीज़, कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊँचा चला गया है।
मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आज मैं 59 में चल रहा हूँ, लेकिन जो मेरी सोच है, मेरी समझ है, मेरे काम करने का तरीका है, वो 20-25 साल का लड़के जैसा है। लेकिन ये नहीं था जब मैं ये दर्द से महसूस कर रहा था, दर्द महसूस कर यहाँ आने के बाद हुआ। यहाँ आने के बाद आपकी दवा लेने के बाद धीरे धीरे जब दवा ने असर बताया मुझे, तब मुझे लगा कि ये मैं बहुत लेट आया, मुझे तो 10 साल पहले आना था, क्योंकि मैं 10 साल से एक ही दवा खा रहा था और मैं ये भी जानता था कि ये दवा मुझे आड़ असर करेगी, साइड इफेक्ट करेगी, और यही हुआ। लेकिन जब आपकी दवा से मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, तब मुझे लगा मैं सही हूँ और आप भी सही हो। और यार दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ एक दवा, सिर्फ होम्योपैथी पर बैठे हैं, और मैंने कहीं जगह पर ये डॉक्टर ऐसे नहीं देखे कि जो सिर्फ होम्योपैथी का दवाखाना चला रहे हो और इतने बड़े, इतने ज़्यादा, इतने संतुष्ट इनके पेशेंट हो। सबसे प्लस पॉइंट जो है वो ये है मेरे लाइफ का, मैंने कई डॉक्टर देखे, कई डॉक्टर से मुलाकात हुई है, वो BHMS लिखाते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस एलोपैथी की करते हैं। सिर्फ आपके दवाखाने में, और आप भी एक ऐसे मिले, मैं उससे बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। एक तो आपकी उम्र कम है क्या, और ये उम्र में भी दूसरा कि आप पैसों के लिए कुछ, कोई टेस्ट बेस की बात नहीं, जो भी दवा है सीधी आप एलोपैथी देते दे, कोई टेस्ट नहीं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो, एक दूसरे डॉक्टर के पास जब हम आते हैं तो वो 5-25 टेस्ट में हमको 5-10 हज़ार रुपये उठा देते हैं, आपके पास वो चीज़ तो है ही नहीं बिना टेस्ट की। और ये बीमारी ऐसी है कि इसको टेस्ट में नहीं आती, स्क्रीन वो अपने सोनोग्राफी कराते हैं लेकिन उसमें सिर्फ आंकड़े दिखते हैं क्या, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये रोग की कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है। और आपने सिर्फ एक अंदाज से और एक सिर्फ मेरे बोलने से या आपके अंदाज से जो भी कहो, ये रोग को जो पकड़ा और इसके लिए जो आपने दवाई की, दवाई दी, और मैं भी काफ़ी इसके लिए प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जीवन जीने का तौर तरीका मेरा बदला गया है, मेरा एटीट्यूड बदला गया है, आज मेरे जीवन में एक नया संचार, नई आशा, नया दिन क्या। मैं 59 में हूँ फिर भी मुझे आज ऐसा लगता है कि अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ जो पहले मैं नहीं कर सकता। आप IBS के पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? IBS के पेशेंट को मुझे यही कहना है कि अगर IBS के पेशेंट हैं तो ब्रह्म हॉस्पिटल में आओ और ये हिसाब से आप दवा लो, आप 110% अच्छे हो जाएंगे, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। डॉक्टर साहब देंगे तो ठीक है, बाकी गारंटी मैं देता हूँ। थैंक यू।